अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग पिघल गया है। ज्यादा गर्मी की वजह से शिवलिंग पिघल गया है और सिर्फ 6 दिन में ही ये शिवलिंग इस बार पिघल गया है। 29 जून को अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई थी और प्रशासन का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर में काफी गर्मी पड़ रही है, तापमान ज्यादा है, इसकी वजह से बाबा बर्फानी के पिघलने की प्रक्रिया तेज हो गई और सिर्फ 6 दिन में ही बर्फ का शिवलिंग पिघल गया। यात्रा 29 जून से शुरू की गई थी जो कि 52 दिन चलनी थी और 29 अगस्त को खत्म होनी थी, लेकिन अमरनाथ से बाबा बर्फानी ने अब प्रस्थान कर लिया है। बहुत तेजी के साथ ये शिवलिंग इस बार पिघला है। कुछ दिन पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी तस्वीर देखिए जहां पर आपको शिवलिंग नजर आएगा, और अब 6 जुलाई की तस्वीर आप देखिए, उसमें आपको नजर आएगा जहां पर यह शिवलिंग था वहां पर बर्फ पिघल गई है। बाबा बर्फानी का तो ज्यादा गर्मी की वजह से प्रशासन का ऐसा कहना है कि काफी गर्मी पड़ी है और गर्मी की वजह से शिवलिंग तेजी के साथ पिघला है। केवल 6 दिन में ही ऐसा लग रहा है कि बाबा इस बार अंतर्ध्यान हो गए हैं। बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने की वजह क्या है, 52 दिन चलने वाली यात्रा पर इसका कितना असर पड़ेगा, जाहिर है कि जब शिवलिंग वहां पर पिघल गया है तो क्या श्रद्धालु वहां तक आगे जाएंगे, और प्रशासन चूंकि यही बता रहा है कि ज्यादा गर्मी वहां पर पड़ी है उसकी वजह से शिवलिंग पिघला है, क्या भक्तों की भीड़ के चलते, क्योंकि वहां पर काफी भक्तों की तादाद पहले की मुकाबले रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंचे इन 5-6 दिनों के अंदर, इसकी वजह से क्या यह शिवलिंग पिघल गया। ये देखिए ताजा तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सामान्यतः आप देख रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन किस तरह से होते हैं और यहां पर किस तरह बर्फ का शिवलिंग बनता है, लेकिन इस वक्त की तस्वीर जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ 6 दिन के अंदर भीषण गर्मी पड़ने की वजह से, काफी ज्यादा गर्म रहा है जम्मू कश्मीर, इसकी वजह से बर्फ का शिवलिंग जल्दी पिघल गया। Z News.